हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सो हमें मैट्रिसेस गिवन है, हमें उसके कोफैक्टर फाइंड करने के हर एक एलिमेंट्स के। अगर आपको पता नहीं कि कोफैक्टर, माइनर्स और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है। आप इस आई बटन पर टच करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। पहले आप वो समझ लीजिए, फिर उसके बाद में आप ये एक्सरसाइज का वीडियो देखिए। हमें हर एक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करना है, जिसके लिए हमें पहले माइनर का फाइंड करना ज़रूरी है, ठीक है। हमारा मैट्रिसेस गिवन है, सॉल्यूशन लेट ए इज़ अ मैट्रिक्स -1, 2, -3 एंड 4। पहले तो हमें इनका माइनस निकालना होगा, माइनर ऑफ द एलिमेंट्स आर। जब भी हम माइनर निकालते हर एक एलिमेंट का फाइंड करते हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करेंगे, हम उस एलिमेंट की रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा ये पहला एलिमेंट है -1, ठीक है, तो इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो हम माइनर को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और उसकी पोजीशन को हम नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जैसे कि -1 का माइनर अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को, रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो रिमेनिंग जो वैल्यू रहेंगे उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ 4 बज रहा है, इसलिए हमारा माइनर हो जाएगा 1, 1 का माइनर हो जाएगा 4, ठीक है। उसी तरह से माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है, यानी कि 2 का अगर हम माइनर फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इसी तरह से इसका कॉलम रो को हम स्केप कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी -3। देन उसी तरह से हम माइनर फाइंड करेंगे -3 का, तो -3 की पोजीशन है सेकंड कॉल रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो अगर हम इस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को स्केप कर दे तो सिर्फ हमारे पास एलिमेंट 2 बच रहा है, तो इसका माइनर हो जाएगा 2, ओके। उसी तरह से लास्ट जो नंबर 4 है, ठीक है, इसकी पोजीशन है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है, तो इसका जो माइनर होगा वो -1 होगा, क्योंकि इसके अगर हम कॉलम और रो को स्केप कर दिए तो सिर्फ एलिमेंट -1 बचता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। अब हमें इनका कोफैक्टर फाइंड करना है। नाउ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स आर, तो हम कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और ये उनकी पोजीशन है, आई मीन्स नंबर ऑफ रो एंड जे मीन्स नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो हम ये फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, -1 raised to power i + j (MIJ), ठीक है। एम आई और जे उनके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो है, ठीक है। तो जैसे कि हमें इस एलिमेंट का माइनर का हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, तो हम a11 लेंगे, दैट इज इक्वल टू -1 raised to power i + j, मीन्स 1 + 1 2 हो जाएगा, और m11 की वैल्यू है, यहाँ पे m11 लिख देते हैं हम, दैट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर + 1 × 4, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। a12 की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे हम तो -1 raised to power 1 + 2 3 हो जाएगा (m12 - 3), ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी -1 का क्यूब माइनस होता है, तो -(-+3) हो जाएगा, ओके। उसी तरह से a21, ये बात ध्यान में रखना कि अगर ये जो पोजीशन दी हुई है हमें, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर और कॉलम की, ठीक है, अगर इनकी एडिशन इवन आती है तो जो माइनर की वैल्यू है वही वैल्यू कोफैक्टर की होगी, ठीक है। अगर इनकी जो एडिशन है वो ऑड आती है तो बस हम क्या करेंगे, माइनर की साइन चेंज कर देंगे तो हमें उसका कोफैक्टर मिल जाएगा। तो ये हमें जो सॉल्व कर रहे हैं इसका हमें हमारा टाइम बच जाएगा, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे इसका जो 2 + 1 3 होता है, तो ये एक ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे बस, तो हमारा जो ये 2 है तो कोफैक्टर हो जाएगा -2। आप इसे सॉल्व कर ले तो भी आपको -2 ही मिलेगा, ठीक है।
अब उसी तरह हम एक टू टू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब इनके दोनों का एडिशन इवन आ रहा है, तो जो माइनर होगा वही उनका कोफैक्टर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे -1 है तो ये वैल्यू भी हो जाएंगी -1। इस तरह से लिखने के लिए आप लिखने से आपका जो टाइम है ना वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कोफैक्टर है हर एक एलिमेंट का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सेकेंड क्वेश्चन, पहले हमें भी इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम पहले इनका माइनर फाइंड करेंगे, ओके। सॉल्यूशन, माइनर ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर सो M11। तो M11 की पोजीशन यानी नंबर 1 का माइनर फाइंड कर रहे हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल में हमारा जो मैट्रिक्स था वो 2x2 मैट्रिक्स था, इसलिए हमें सॉल्व करना नहीं पड़ा, बट यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है। तो जैसे कि अगर हम नंबर 1 का माइनर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो बचे वाले जो 4 एलिमेंट्स रहेंगे हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो है 350-1। सो हम इनका जो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएंगी वही हमारे 1 के या माइनर की वैल्यू होंगी, ओके। सो -3 × 5 × 0 = 0, दैट इज इक्वल टू -3। उसी तरह से M12, अब M12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यानी बीच वाला कॉलम हम ये दोनों को छोड़ दिए, तो रिमेनिंग जो 4 एलिमेंट रहेंगे हमारे पास उनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये -2 -2 है और इधर 5 -1 है, ओके। सो दैट इज इक्वल टू -1 × -1 × -2 + 2 हो जाएगा, देन -5 × -2 × 5 - 10 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज -+ दैट इज इक्वल टू 12, ओके। देन M13, सो ये जो 2 है उसकी पोजीशन है, तो हम यहाँ क्या, यहाँ पे हम फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम को हम स्किप कर देंगे, तो बचे वाले जो 4 एलिमेंट हैं हम इनका माइनर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ओके। जैसे कि -2 -2 3 एंड 0, ओके। तो 0 - -2 × 3 - 6 हो जाएगा यहाँ पे, -(-+6), ओके। सो हमने ये माइनर पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का माइनर फाइंड कर लिया, अब सेकंड रो के एलिमेंट्स की बारी। सो M21, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि -2 को, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, जो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स है हम उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ओके। सो क्या है, -1 एंड 2 नीचे है, 0 एंड -1। सो दैट इज इक्वल टू -1 × -1 + 1 - 2 × 0 = 0, दैट इज इक्वल टू 1। देन M12 2, ठीक है। सो जो एलिमेंट बीच में है, ठीक है, 2 2 इसकी पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे, बचे वाले 4 एलिमेंट्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, 1 2 -2 एंड -1, ओके। 1 2 -2 एंड -1, ओके। दैट इज इक्वल टू 1 × -1 - 1 - (-2 × 2 - 4), दैट इज इक्वल टू 3, ओके। सो देन M23, सो यहाँ पे हम सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो बचे वाले एलिमेंट 1 - 1 - 2 = 0, ओके। 1 - 1 - 2 = 0, सो 1 × 0 = 0 - इनकी वैल्यू प्लस हो जाएंगी, 2, दैट इज इक्वल टू -2, ओके। उसके बाद में M31, तो हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम रिमेनिंग एलिमेंट्स -1 2 3 5,
-1, 2, 3, 5 ठीक है, देन -5, -6 दैट इज इक्वल टू -11 ओके। देन M32, सो यहाँ पे थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हम स्किप कर देंगे, तो 1, 2, -2, 5 ओके, 1, 2, -2, 5 दैट इज इक्वल टू 1 × 5, 5 -2 × 2 = -4 ओके, दैट इज इक्वल टू +9 ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन लास्ट एलिमेंट 3, 3, तो हम यहाँ पे थर्ड रो और थर्ड कॉलम की स्किप कर देंगे, हम वैल्यू लिखेंगे 1, -1, -2, 3, 1, -1, -2 एंड 3। सो यहाँ पे 3 माइनस ये सॉरी 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, दैट इज 6 दैट इज इक्वल टू -3, सॉरी यहाँ पे -1 है ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 ओके। अब ये जो हमने एलिमेंट्स लिखा है ठीक है, पूरे 9 9 माइनर है हर एक एलिमेंट का, अब हमें इनका कोफैक्टर फाइंड करना है ओके। नाउ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स आर ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है कोफैक्टर के लिए, ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे ठीक है। तो मैंने कहा था जैसे कि हम इनकी वैल्यूज अगर फाइंड करेंगे ठीक है, जो इनकी पोजीशन दी हुई है यहाँ पे रो और कॉलम की ठीक है, अगर इनका एडिशन इवन आता है तो हम एज इट इज जो वैल्यू माइनर की गिवन है वही वैल्यू कोफैक्टर की देंगे ठीक है, अगर इनका एडिशन ऑड आता है तो बस हम उनकी जो माइनर की साइन है वो चेंज कर देंगे, हमें कोफैक्टर मिल जाएगा ओके। तो जैसे कि ए 1 1 ठीक है, तो 1 + 1 2 होता है, इनका एडिशन इवन हो रहा है तो माइनर -3 है तो कोफैक्टर भी -3 होगा ओके। उसी तरह से ए 1 2, अब इनका एडिशन +3 यानी कि ऑड नंबर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, बस इसकी साइन चेंज कर देंगे, 12 है तो यहाँ पर हम -12 ले लेंगे ओके। देन ए 3 1, अब इनका एडिशन इवन हो रहा है तो एज इट इज हम लिख देंगे 6, देन सॉरी 2 1, अब इनका एडिशन ऑड हो रहा है तो इसकी वैल्यू हम इसकी साइन चेंज कर देंगे, 1 को -1 लिख देंगे। देन ए 2 2, अब ये एक इवन हो रहा है इनके इनका एडिशन तो एज इट इज 3 है तो हम 3 लिख देंगे, 8 2 3 के लिए ऑड है तो हम साइन चेंज कर देंगे, -2 है तो हम +2 ले लेंगे। देन ए 3 1, अब इसका पावर हो रहा है इवन तो -11 है माइनर तो ये भी होगा -11 ठीक है। ए 3 2 के लिए हम -2 इसकी साइन चेंज कर देंगे, सॉरी सो 3 2 9 है तो हम -9 ले लेंगे यहाँ पे, और लास्ट में ए 3 3 ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, 1 रहेगा ठीक है। सो ये जो हमारे रिक्वायर्ड कोफैक्टर की वैल्यूज़ है हर एक एलिमेंट की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सो लास्ट वीडियो में हमने जिस तरह से कोफैक्टर फाइंड किया था, इसी तरह यहाँ पे भी हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, देन उसे हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ठीक है, बस इतना ही करना है। सो सॉल्यूशन, लेट ए इज अ मैट्रिक्स 1, 3, 4 एंड -1 ओके। अब हम इनका माइनस फाइंड करेंगे, माइनर ऑफ द एलिमेंट्स आर, सो 1 है तो 1 इस एलिमेंट का माइनर ठीक है, हम लिखेंगे M 1 1 1 1 यानी कि इस एलिमेंट की पोजीशन है वो
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो इसके लिए हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हम छोड़ देंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ माइनस वन बचेगा, तो इसलिए माइनर हो जाएगा माइनस वन। उसी तरह से सेकंड नंबर यानी थ्री का माइनर हम फाइंड करेंगे, जिसकी पोजीशन है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास एलिमेंट बचेगा सिर्फ फोर, ठीक है। तो फोर उसका माइनर हो जाएगा। उसी तरह से टू वन का माइनर हो जाएगा थ्री, एंड लास्ट वाले एलिमेंट का माइनर हो जाएगा वन, ओके। देन अब हमें इनका कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स आर। तो कोफैक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस वन रेस्ट पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो हम वैल्यू फार्मूले में पुट करके फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर होगा माइनस वन रेस्ट पावर आई प्लस जे, मीन्स वन प्लस वन इंटू एम वन वन यानी कि माइनस वन। सो वन प्लस वन ये हो जाता है टू, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, तो वैल्यू सिर्फ आएंगे माइनस वन। और सेकंड एलिमेंट जो कि सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, ठीक है, तो माइनस वन रेस टू पावर वन प्लस टू थ्री हो जाएगा इंटू एम टू वन टू यानी कि फोर। सो माइनस वन का क्यूब माइनस होता है, माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर इनका एडिशन इवन आ रहा है तो हम जो माइनर की वैल्यू है वही हम कोफैक्टर की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। अगर इनका पावर, इनका जो पोजीशन की एडिशन है, ठीक है, ऑड आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, बस माइनर्स की क्या कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसी तरह से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि टू वन है, ठीक है, अब इनका एडिशन ऑड हो रहा है, तो जो अगर इसकी वैल्यू थ्री है माइनर की, तो कोफैक्टर हो जाएगा माइनस थ्री। और उसी तरह से टू टू, अब इनका जो पावर, इनकी जो एडिशन है वो इवन हो रहा है, तो जो वैल्यू माइनर की है वही वैल्यू कोफैक्टर की होंगी वन, ठीक है। अब हमें इसके मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ओके। नाउ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, ए वन वन की वैल्यू है माइनस वन, ए वन टू की वैल्यू है माइनस फोर, ए टू वन की वैल्यू है माइनस थ्री, एंड टू टू की वैल्यू है वन, ठीक है। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सेकंड है, अब हमें इसका को इनके इस एलिमेंट्स के कोफैक्टर का मैट्रिक्स हमें बनाना है, ओके। सो हम सबसे पहले माइनस फाइंड करेंगे इनके सॉल्यूशन, माइनर ऑफ एलिमेंट्स आर एम वन वन, ठीक है। अब ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो अब हम फर्स्ट एलिमेंट का अगर हमें माइनर फाइंड करना है, ठीक है, जिसकी पोजीशन वन और वन है, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो बचे वाले जो चार एलिमेंट्स रहेंगे हम इनका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ओके। तो एलिमेंट्स है वन थ्री थ्री माइनस फाइव, सो दैट इज इक्वल टू माइनस फाइव माइनस नाइन माइनस फोर्टीन, ओके। देन सेकंड एलिमेंट है जिसकी पोजीशन है वन एंड टू, मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, यानी कि जीरो। सो अब हमें इसका माइनर फाइंड करना है जीरो का, तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो जो एलिमेंट्स बच जाएंगे चार, इनका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो एलिमेंट है माइनस टू थ्री जीरो एंड माइनस फाइव, सो दैट इज इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस फाइव टेन, माइनस थ्री इंटू जीरो जीरो, दैट इज इक्वल टू टेन, ओके। देन टू जिसकी पोजीशन है वन एंड थ्री, दैट इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम,
सो इसके लिए हम फर्स्ट रो भी स्किप कर देंगे और थर्ड कॉलम स्किप कर देंगे। तो रिमेनिंग फोर एलिमेंट्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, -2, 1, 0 एंड 3। सो -6 -0 दैट इज इक्वल टू -6। उसके बाद में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, यानी कि -2। तो इसके लिए हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। रिमेनिंग फोर एलिमेंट्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो कि है 0, 2, 3 एंड -5। सो दैट इज इक्वल टू 0 -6 दैट इज इक्वल टू -6। ओके, सो उसके बाद में है M22। सो इसके लिए हम सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। तो 1, 2, 0 एंड -5, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आएंगे -5, -2 × 0, 0 दैट इज इक्वल टू -5। ओके, उसके बाद में M23 मीन्स सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने पे हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं 1003। ओके, 1003। सो 1 × 3, 3 - 0 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, देन M31 दैट्स मीन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 0 के लिए। तो 4 एलिमेंट है 0, 2, 1, 3, 0, 2, 1 एंड 3। सो दैट इज इक्वल टू 0 - 2 दैट इज इक्वल टू -2। ओके, देन उसके बाद में है थर्ड रो सेकंड कॉलम दैट इज 3 के लिए। तो हम थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, हमें एलिमेंट मिलेंगे 1, 2 - 2, 3, 1, 2 - 2, 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 3 - -2 × 4 दैट इज इक्वल टू 3 + 4, 7। देन लास्ट एलिमेंट है जिसकी पोजीशन है थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो -5 है वो एलिमेंट, तो जिसके लिए हम थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो एलिमेंट मिलेंगे हमें 1, 0 - 2, 1, 1, 0 - 2, 1 दैट इज 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये हमारे माइनर्स की हर एक एलिमेंट्स के माइनर्स की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम इस इनकी कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो कोफैक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेस्ट पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। सो A11, तो हम फॉर्मूला का यूज़ करने के बजाय हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज लिखेंगे। वैल्यूज़ कुछ इस तरह से लिखनी है, जैसे कि यहाँ पे जो पोजीशन दिख रही है आपको, ठीक है, 1 और 1, अगर इनकी एडिशन इवन आती है तो जो माइनर की वैल्यू है वही वैल्यू कोफैक्टर की होंगी। अगर इनकी एडिशन ऑड आती है तो जो वैल्यू माइनर की है बस हम उसकी साइन चेंज करना है। ओके, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। ओके, सो जैसे कि M11 की वैल्यू है 14, A11 की वैल्यू, इनका एडिशन इवन होती है तो ये एज इट इज़ -14 रहेगा। ओके, उसी तरह से M12 की वैल्यू अगर हम लिखते हैं, ठीक है, इन दोनों का एडिशन होता है 3 यानी कि ऑड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे M12 की बस साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, 10 है तो हम इसे -10 ले लेंगे। ओके, उसी के साथ M13, इसकी वैल्यू -6 है, अब इनका जो है एडिशन इवन हो रहा है तो हम एज इट इज़ -6 लिखेंगे। ओके, देन M21, सॉरी कोफैक्टर ऑफ 21, अब इनका जो एडिशन है वो ऑड हो रहा है तो हम बस माइनर की साइन चेंज कर देंगे, -6 है तो हम ले लेंगे इसे +6। ओके, उसके बाद में M22, अब ये इवन है तो हम एज इट इज़ वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे -5 है तो हम यहाँ पे भी -5 लिखेंगे। ओके, देन A23, अब यहाँ पे इवन ऑड है तो हम बस साइन चेंज करेंगे, 3 है तो 3 की जगह पे हम लेंगे यहाँ पे -3। देन A31, तो
तो 3 1 के लिए माइनस टू है, इनका एडिशन इवन होता है तो हम एज इट इज माइनस टू ही लिखेंगे। देन M32 अब ऑड है तो 7 को हम चेंज कर देंगे -7 में, और लास्ट वाला वैल्यू है A33। अब इनका एडिशन इवन है तो हम एज इट इज लिखेंगे, 1 है तो 1 ही लिखेंगे। ओके 1। सो यहाँ पे हमें सभी एलिमेंट्स की कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड मिल गई है। अब हम इनका कोफैक्टर लिखेंगे, सॉरी मैट्रिक्स लिखेंगे। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल टू, ठीक है, -14 -10 -6। फर्स्ट रो के एलिमेंट है -14 -10 -6, उसके बाद में 6 -5 -3, 6 -5 -3, देन -2 -7 1, -2 -7 1। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स,